अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरे कहीं नहीं जा रहा मेरा बच्चे। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही। हाँ बेटा, अब्बू बोलो अब्बू। हाँ बेटा, फातिमा कैसे हो? हाँ चिज्जी लेकर आऊँ, चलो ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बुई बुई बुगैया। और क्या बोलते हैं, आइसक्रीम खाए थे क्या तुम सुबह सुबह जो मुँह पे लगा के ले लिए? अरे माँ क्या खाए थे, दवा खाए थे? नहीं। फिर तुम क्या खाए थे? चिची खाए थे। अच्छा तुम क्या खाए थे? मैं, मैं। मामा मामा खाए थे। और तुम क्या खाए थे? हाँ हाँ नखरे। हाँ नखरे वाली। हाँ जाओ चिची लेकर आऊँ मैं। हाँ। तो भाई को अंदर लेके जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आई हुई। अम्मा 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 आगे बीजू बीजू। अल्लाह अप्पा को मारेंगे तुम। पकड़ो 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 इन लोगों पकड़ो। बच्चे वाला ब्लॉग करो। चलो चलो जाओ अंदर जाओ। शालो इन लोगों लो ना जरा। चलो बता सालिया को ना रास्ते में आज खाने का था रोटी। तो मैं बोला चलो ठीक है, टोस्ट वगैरह नहीं लेकर आते हैं, रोटी लेकर आते हैं। तो मैं जा रहा हूँ रोटी, अभी टोस्ट ले लूँगा ना मैं, तो 30 रुपये का आएगा और 10 रुपये और डाल के अपने को 40 रुपये की 2 पैकेट रोटी आ जाएगी। उसमें सिर्फ 5-5 रोटी रहती है। क्या बात है भाई, मैं रोटी लेने आया और भाई को मालूम पड़ेगा कि मैं रोटी लेने आया। माशाल्लाह भाई रोटी के घर एक नंबर। जहाँ से आप उनको डेली सामान ले गया थे ना, तो उन लोगों ने अपनी अपनी आदत पता चल जाती है कि बंदा क्या लेने आया। तो मैं जाके सिर्फ खड़ा ही था, तो उनको पता चल गया कि मैं रोटी लेने आया, तो फटाक से 2 रोटी निकाल के दे दिए। गाइस मैं आ गया अपनी रोटी लेके आ रहा है ना, हम लोग ने झूले में डाल दिए क्योंकि अब देखो अम्मा 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 कर रहा है। पता नहीं इसके अंदर मेरी अम्मा कहाँ से दिखती है। क्या बना रहे? हाँ हाँ फटे अंडे का बना रहे। अंडे का अंडा फट गया, अरे सॉरी दूध फट गया। कैसे? चाय में नहीं फटा है, दूध में ही दूध फटा। हाँ 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 ऐसा है। चलो बनाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छा। उसको क्या बोलते हैं? कलाकन। चलो सही है, माशाल्लाह बना बना मेरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों का वेलकम है साले सिंह शेख के ब्लॉग में। इंटरव्यू दे रहे क्या? आप भी ऐसे लड़कड़ा साले इंटरव्यू दे रहे हैं। बन गया ये? कितना शक्कर डाले इसमें? 2 चम्मच शक्कर डालना पड़ता है, बिना नहीं डालेंगे तो लगेगा। ओहो ऐसा है क्या? हाँ मामा मामा क्या मेरे मामू को क्या मामा? हाँ कुछ तो दिखा रहा वहाँ पर। कहाँ है, क्या है, क्या है? बाहर आने का है। चलो नींद आ रही है उसको, इसलिए चिड़चिड़ा रहा है। सुबह में कौन बोलता बेटा जल्दी उठने तुम्हारे को? हाँ कौन बोलता जल्दी उठने हैं? ये अपना स्वादिष्ट कलाकंद रेडी हो गया है। चलो अभी टेस्ट करते हैं इसको। अभी वो कलाकंद खा लेंगे ना फिर गाइस, तो चाय का पिक्की लगेगी। तो उसने बोला चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद में आराम से बैठ के खाएंगे। थोड़ा सी चटका लग गया जुबान पे, गरम गरम था ना। गरम गरम खाने तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मेरा नाश्ता वाश्ता सब कुछ करके हो गया। रुक जाओ एक मिनट। और ना मुझे ना मस्जिद का जो चंदा जमा हुआ है ना, तो वो 12,687 रुपये जमा हो गया। ठीक है, तो 4,000 रुपये मेरे पास कैश है और जो भी पैसा है वो अकाउंट में है। तो चलिए चलते हैं, अपन फारूक अंकल को ये पूरा पैसा देकर आते हैं, उनसे रसीद भी बनवा लेते हैं। और आज जुमा भी है ना, तो आप सबको हमारी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस जुमा करीम के साथ के हम सबकी बेहिसाब मगफरत फरमाए। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर अभी पानी मार रहे हैं बाहर क्योंकि आज जुमा भी है ना। तो देखिए एंगल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं अभी, बस पूरा एंगल चढ़ा दिए, ऊपर से चटाई भी लगा दिए हैं। अभी एंगल पे मेरे ख्याल से वेल्डिंग नहीं हुई है, सिर्फ एंगल चढ़ा के ना अपना सिर्फ रख दिए हैं और चटाई उठा रख दिए क्योंकि नमाजियों को धूप ना लगे और लोगों को तकलीफ़ ना हो, है ना। और माशाल्लाह सब पानी नहीं मार रहे ऊपर वेल्डिंग। हाँ वेल्डिंग वहाँ से चालू है, अभी वेल्डिंग हो रही है। चलिए चलते हैं अंदर और पैसा दे देते हैं। मस्जिद धो रहे छोटे लोग, क्या बोलते हैं क्या भाई? मस्जिद धो रहे तुम लोग? चलो माशाल्लाह दो मस्जिद धो अच्छे से। कहाँ फारूक अंकल किधर है?
तो माशाल्लाह गाइस 12,700 की रसीद बन गई है। 700 में कुछ पैसे कम थे तो अपनी तरफ से मिला के माशाल्लाह दे दिए, तो पूरे 12,700 की रसीद बन गई है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे और ये अपना मस्जिद का फैमिली काम देखो साथ में। और क्या बोलते दोस्त, कैसे हो? माशाल्लाह, चलते हैं अभी घर पे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल से अपन ना पूरे 1,00,000 के करीब है गाइस, तो आप लोगों से ना जितना हो सके आप लोग मेरे स्कैनर पे मस्जिद का चंदा जो भी हो रहा है मेरे घर तो मुझे भेजें, इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी दी हुई रकम है मस्जिद में पहुंचा दूंगा। तो चलिए अभी उसको टोटल करके बताते हैं कि 1,00,000 में कितना बाकी है, ठीक है? तो आप भाई अपने पास ना 5-5 रसीद बन गई है, तो चलिए अभी टोटल करके आप लोगों को बताते हैं कि 1,00,000 में कितना रुपये कम है। तो आप लोगों से जितना हो सके मेरे इस स्कैनर पर भेजें। और गाइस मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि आप लोगों का एंड में नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जो भी पैसा है मेरे स्कैनर पर बराबर पहुँच रहा है, नाम के साथ आ भी रहा है, तो आप लोगों से जितना हो सके आप लोग उतना दीजिए अल्लाह के राह में। अल्लाह की तो हमारे यहाँ की जो मस्जिद है वो बन रही है, तो आप लोगों से जितना हो सके। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह पहले सिर्फ क्या बोलते हैं अपना कितना काम हो गया, अभी एंगल वगैरह सब चढ़ गए हैं, अभी एंगल पे वेल्डिंग लग रही है, फिर उसके बाद में टाइल्स वगैरह जो भी है ऊपर वो लादी बिछाएंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे काम है। तो आप लोगों से जितना हो सके आप लोग उतना ताउन करें। चलिए अभी टोटल करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कितना होगा। तो गाइस देखिए 1, 2, 3, 4, 5 रसीद का जो क्या बोलते हैं अपना टोटल पैसा जमा हुआ है वो 83,000 रुपये जमा हो चुका है। माशाल्लाह क्या बात है भाई, 1,00,000 रुपये में बस 17,000 रुपया कम है। तो आप लोगों से गाइस जितना हो सके 10, 15, 20, 50, 100 जो भी हो आप लोग भेज सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम में मस्जिद में पहुँचा दूँगा। देखो सामने ही मस्जिद का काम चालू है, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी हुई गाइस कि आप लोगों की मदद से अभी तक 83,000 रुपया जमा हो चुका है, माशाल्लाह बहुत खुश है। तो चलिए आप सबका जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आपकी हर नेक जायज तमन्ना को पूरी फरमाएं, हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाएं। तो अभी 12:30 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है और चलिए अभी जुमा की तैयारी कर लेते हैं फटाफट। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया, चलिए चलते हैं और अभी जुमा की नमाज़ पढ़ कर आते हैं। अभी तो क्या बोलते अपना बच चुके हैं, 1 अजान तो हो गई है, तो अभी सब नमाजी आ रहे हैं। और क्या बोलते हैं सोलवे, कितना बड़ा पत्थर उठाया, देखो इसे मारने के लिए नहीं मानेगा, रख दो पत्थर नहीं मानेगा। चलो चलते हैं अपन मस्जिद में, बयाना तो स्टार्ट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं और अभी जा रहे हैं अपने घर पे। खाना ना खाएंगे नहीं तुम लोग? अभी जाके खाएंगे। चलो ठीक है, मेरा घर तो आ गया, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में याद रखो, ठीक है? चलो। और वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई, छुट्टी आज? नहीं भाई, काम माशाल्लाह चालू है। चलो सही है। और क्या होता है निशान भाई, यासिन शेख ब्लॉग सब्सक्राइब करना। तो सालिहा अभी अरहान फातिमा को नहलाएंगे तो उनको टाइम लगेगा, तो मैंने बोला मैं सोचा चलो थोड़ा शफीक भाई के साथ उनके घर पे जाकर आते हैं। तो अभी क्या बोलते अपना थोड़ी देर से खाना ना खाने बैठे। और क्या बोलते भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हुआ मैटर, क्या नाक में चले गया, बारी बारी घूमती उड़ गई। अरे वो जो मुंह के पास घूमती है इरिटेट करती है, अरे बाप वो चले गया घप से नाक के अंदर और निकल भी नहीं रहा, वो लग रहा गले के नाक के पाइपलाइन में फंसा हुआ है, तो कब से मेरे को खांसी और उल्टी से लगा। अब जाके घर पे ना गरारा कुल्ली कुल्ली करो मस्त एकदम। और माशाल्लाह आज फिर क्या बोलते अपना इमाम साहब ने नाम लिए हैं, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। बोलते ये बंदा है जो अभी तक 1,00,000 के करीब करीब मस्जिद में दे चुका है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। तो आप लोग ऐसे ही मस्जिद में ताउन करें इंशाल्लाह, तो बहुत जल्दी बन जाएगी अपनी मस्जिद। तो चलते हैं अभी यहाँ से शफीक भाई के घर पे। तो गाइस आगे का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।